आज दोस्तों बनाएंगे कच्चे चावल और आलू से एकदम टेस्टी नाश्ता दोस्तों। और ये ऐसा नाश्ता कुरकुरा क्रिस्पी मिल जाए बरसात के मौसम में चटनी के साथ में, तो एकदम दोस्तों मजा आ जाता है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे, कैसे मैं बना रही हूँ दोस्तों ये रेसिपी आप लोग से मैं बतलाऊंगी दोस्तों। अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारे फैमिली में दोस्तों में ये रेसिपी शेयर करिएगा। तो रेसिपी एकदम आसान तरीके से मिनटों में बन करके तैयार हो जाता है और ज्यादा झंझट नहीं है दोस्तों, एकदम आसान तरीका है। एकदम फूली फूली दोस्तों, एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है नाश्ता। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इन्हें बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों, ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे और ना ही यहाँ पर लहसुन के इस्तेमाल हम किए हैं दोस्तों। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो लहसुन प्याज भी डाल करके ये नाश्ता बना सकते हैं। देखिए एकदम अंदर से जाली जैसा बनेगा, चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लालसा की रसोई में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए कच्चा चावल। कच्चा चावल दोस्तों 2 से 3 घंटा पहले मैं भिगा कर रखी थी, अच्छा से चावल ये हमारा फूल गया है। ये नाश्ता बनाने के लिए दोस्तों आप लोग कोशिश करिएगा कच्चा चावल ही ले लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए एक गिलास चावल हमारा भीग गया है अच्छा से, इनका पानी हम अलग कर लेते हैं। और यहाँ पर चावल हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में सारा चावल डाल देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें रखना है बड़ा वाला जो मिक्सी जार होता है ना, वो ही। देखिए अच्छा से चावल डाल ली हूँ, इसी में मैं दोस्तों छोटा साइज का है हरी मिर्च है 6 डाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लाल मिर्च यहाँ पर नहीं डालेंगे, इसीलिए हरी मिर्च यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में आप डालिएगा। इसी के साथ में हम क्या करेंगे, आधा कटोरी पानी डाल करके दोस्तों एकदम फाइन हमें पेस्ट बना लेना है चावल का इस तरीके से। देखिए नाश्ता बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं रखी हूँ 4 उबला हुआ आलू है, तो 2 है मीडियम साइज का दोस्तों आलू और 2 है छोटा साइज का आलू। तो इन्हें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा से इस तरीके से कोट लगा लेंगे जो पीसने में दोस्तों आसानी होगा। तो यहाँ पर देखिए सारा मैं आलू इस तरीके से काट ली हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो चावल हम पीस के रखे है ना उसी में हम डाल देंगे ये सारा आलू और इनका ढक्कन लगा करके अच्छा से हमें पीस लेना है दोस्तों। अगर आप पीस रहे हैं पानी कम लगेगा तो यहाँ पर और थोड़ा सा पानी आप डाल करके एकदम महीन पेस्ट हमें बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा से मैं यहाँ पर चावल और आलू हमारा अच्छा से पिसा गया है दोस्तों। और ये देखिए एकदम जैसे हम दही बड़ा बनाते हैं ना उस तरीके से एकदम बेटर हो जाता है दोस्तों। तो इसी तरीके से हमें पकौड़ी बनाने के लिए बेटर चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बड़ा बर्तन में इन्हें सारा बेटर को निकाल करके रख लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम सारा बेटर निकाल लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर डालेंगे दोस्तों स्वाद अनुसार नमक, देखिए इस तरीके से, और आधा चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स, जो हम कुटा हुआ मिर्च रहता है ना वही डालेंगे, और आधा चम्मच डाल देंगे जो दोस्तों जीरा, और 4 से 5 हरी मिर्च मैं यहाँ पर काट करके भी डाल देती हूँ। और यहाँ पर दोस्तों अच्छा फ्लेवर आए, अच्छा टेस्टी लगे, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जितना कस्तूरी मेथी है दोस्तों, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप यहाँ पर हरा धनिया डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं दोस्तों। अब इन सारे सामान को डाल करके अच्छा से हमें क्या करना है, 5 से 6 मिनट के लिए दोस्तों एक डायरेक्शन में हमें फेंटना है। इसमें क्या होगा, अच्छा से जाली जैसा बनेगा हमारा पकौड़ी, एकदम फूला फूला बनेगा दोस्तों। जैसे दही बारा के लिए हम बैटर फेंटते हैं ना उसी तरीके से हमें एक डायरेक्शन में इन्हें भी फेंटना है, जो अच्छा से इसमें हवा भर जाए और एकदम हल्का हमारा बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 से 6 मिनट के फेंटने के बाद में यहाँ पर देखिए छोटा छोटा बॉल्स आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसी तरीके से हमें बैटर फेंटना है और यहाँ पर देखिए एकदम हल्का बैटर हमारा हो गया है। अब यहाँ पर हम दोस्तों फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर देखिए मैं रखी हूँ गैस पर तेल गर्म होने के लिए दोस्तों। अच्छा से इन्हें हाई फ्लेम पर तेल को हमें गर्म कर लेना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हम बैटर को डालेंगे, देखिए इस तरीके से छोटा छोटा साइज में डालना है, क्योंकि ये फूल करके दोस्तों एकदम बड़ा बड़ा डबल साइज हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम डाल रहे हैं। अब एक बगल से अच्छा से जब ये फ्राई हो जाएगा दोस्तों तो ये अपने आप क्या होगा, अलग हो जाता है देखिए इस तरीके से, और तेल में तरने लगता है। आपका बैटर थोड़ा सा पतला लगेगा तो यहाँ पर आप हल्का थोड़ा सा 2 चम्मच जितना गेहूं के आटा डाल सकते हैं, उससे क्या होगा एकदम गाढ़ा बैटर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके बटर गाढ़ा है तो यहाँ पर आटा डालने का कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एक एक हम ये पलट देंगे नाश्ता को और इन्हें दूसरा बगल से भी एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे, गोल्डन क्रिस्पी होने तक। यहाँ पर देखिए दोस्तों अच्छा से फ्राई हो गया है, चलिए इन्हें हम निकाल करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छन्नी में सारा हम निकाल लेते हैं और इसका तेल हम इस तरीके से हिला देंगे थोड़ा सा, तो जो भी तेल एक्स्ट्रा होगा ना वो अच्छा से नीचे निकल जाएगा। तो देखा दोस्तों ये कितना आसान तरीका है, इस तरीके से ये नाश्ता एक बार जरूर बनाइएगा इस बरसात के मौसम में दोस्तों, एकदम मियाज मस्त हो जाता है और खाने में एकदम सुपर टेस्टी है, लाजवाब है दोस्तों। कोई भी मैं मसाला नहीं डाली हो दोस्तों तब भी इतना सुपर टेस्टी लगता है।
और एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बन करके नाश्ता तैयार होगा दोस्तों। तो इसी तरीके से हम जितना बेटर है दोस्तों, इसी तरीके से हम सारा फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए एकदम फुली फुली क्रिस्पी और करारा हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो रहा है दोस्तों। तो आज की हमारी रेसिपी आप लोग कैसी लगी, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगी है दोस्तों। अच्छी लगेगी तो वीडियो का लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा दोस्तों ये रेसिपी शेयर करिएगा जरूर। और यहाँ पर देखिए इसी तरीके से मैं सारा दोस्तों नाश्ता ये बना करके तैयार कर ली हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर आप लोग के निकाल करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसका आवाज़ सुनिए, एकदम क्रिस्पी कुरकुरा ये नाश्ता बन करके तैयार हुआ है दोस्तों। और देखिए एक गिलास चावल से और चार आलू से ढेर सारा ये नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए एकदम गोल गोल एकदम फूला फूला ये हमारा नाश्ता बन करके दोस्तों तैयार होगा अगर इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। तो ये नाश्ता बनाने के लिए आप लोग जरूर फेंटिएगा दोस्तों, जितना अच्छा से फेंटेंगे ना एकदम फूला फूला अंदर से जाली जैसा ये बन करके तैयार होता है। तो इसी के साथ में दोस्तों मैं रखी हूँ यहाँ पर टमाटर की चटनी, क्योंकि टमाटर की चटनी के साथ में दोस्तों ये नाश्ता एकदम सुपर टेस्टी लगता है दोस्तों। तो इन्हें मैं काल ही वीडियो डाली हूँ टमाटर की चटनी, तो अभी तक नहीं देखा है दोस्तों टमाटर की चटनी इस तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो एक बार ये रेसिपी जाकर मेरे चैनल पर डाली हूँ, जाकर जरूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये नाश्ता मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ दोस्तों, ये अंदर से देखिए एकदम जाली बना है और बाहर से एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। यहाँ पर देखिए एक और तोड़ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम अंदर से दोस्तों जाली और सॉफ्ट रहता है और बाहर से क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता बन करके तैयार होगा। आइए आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों, इसका सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। इस तरीके से अपने घर पर ये रेसिपी जरूर बनाइए और खाइए। और देखा आपने कितना आसान तरीके से बन करके नाश्ता तैयार हो गया है ढेर सारा। तो इसी तरीके से बनाइए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।